खेल के दौरान विरोधी खिलाड़ियों के बीच लड़ाई झगड़ा होना ना तो नई बात है और ना ही कोई बड़ी बात, लेकिन अगर खेल को लेकर ऐसे खिलाड़ियों में लड़ाई हो जाए जो मैच ही नहीं खेल रहे तो आप उसे क्या कहेंगे। दरअसल हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हाल ही में एशेज को लेकर इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी केविन पीटरसन और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ट्विटर पर भिड़ गए। दोनों के बीच ट्विटर पर काफी तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल एशेज सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड के गेंदबाज एकदम बेअसर साबित रहे। चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए महज 170 रनों की जरूरत थी जिसे उसने 10 विकेट से जीत लिया। मैच के चौथे दिन ही ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट खोए 114 रन बना लिए थे, जिसके बाद मिचेल जॉनसन ने पीटरसन को छेड़ते हुए ट्विटर पर लिखा, केपी और माइकल इंग्लैंड के तेज गेंदबाज 140 से ऊपर की गति से गेंद करने में असफल हो रहे हैं। अगर तुम चाहो तो अपने चारों गेंदबाजों से कह सकते हो कि वो पहले ही हार मान लें। जॉनसन के इस ट्वीट पर पीटरसन ने बेहद ही गुस्से में लिखा, क्या तुमने ये ट्वीट किया है? अगर तुमने ये बात कही है तो तुम्हें संभलने की जरूरत है। अपने मैनेजमेंट से भी कह दो कि मैं इस तरह का बकवास पसंद नहीं करूंगा। पीटरसन ने भले ही गुस्से में जवाब दिया लेकिन जॉनसन ने उसे इग्नोर करते हुए एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के दर्शकों को टारगेट करके उनका मजाक उड़ाया था। जॉनसन की इस हरकत को देख पीटरसन इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने इसका जवाब देने के बजाय जॉनसन को ब्लॉक कर दिया। गौरतलब है कि एशेज सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। एशेज में एक तरफ दोनों टीमें मैदान में टकराती हैं, तो वहीं समर्थक मैदान के बाहर टकराते हुए नजर आते हैं।